भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह आज किसी के परिचय की मोहताज नहीं है। पवन सिंह की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनका हर गाना कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इस बीच पवन सिंह और मनी भट्टाचार्य का गाना पलंगिया सोने ना दिया को यूट्यूब पर काफ़ी देखा जा रहा है। इस गाने को अब तक यूट्यूब पर 15 करोड़ से भी ज़्यादा बार देखा जा चुका है। इस गाने में मनी भट्टाचार्य और पवन सिंह की जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। 2 मिनट 7 सेकंड के इस गाने को 2 लाख से भी ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। वांटेड फिल्म के इस गाने को इंदु सुनाली और पवन सिंह ने अपनी आवाज़ दी है। वहीं गाने के बोल सुमित सिंह ने लिखे हैं और संगीत छोटे बाबा ने दिया है। इस गाने का संगीत काफ़ी ज़्यादा शानदार है जो आपको पूरा गाना सुनने को मजबूर कर ही देगा। इस गाने की खास बात यह है कि पूरे गाने के दौरान पवन और मनी की खास बात यह है कि इन दोनों की जोड़ी, जी हाँ आपको बता दें कि फैंस इन दोनों की जोड़ी और इस गाने में इनकी नोक झोंक को बेहद पसंद कर रहे हैं। बता दें कि पवन सिंह का गाना कोई बात नहीं वो बेवफा नंबर ब्लॉक चल रहा है और ये लड़की सही है हाल ही में लॉकडाउन के बीच रिलीज हुआ है। इन गाने की शूटिंग विदेश में की गई है। इसके अलावा पवन सिंह का भोजपुरी गाना 200 के कक ही रिलीज हुआ था जिसे पवन सिंह के फैंस ने बहुत पसंद किया था। पवन सिंह के इस गाने पर काफ़ी विवाद भी हुआ था और उन पर इस गाने के चोरी का आरोप भी लगा था। कई गायकों ने इस गाने पर अपनी दावेदारी पेश की थी। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल पवन सिंह ने आरा में अपना एक स्टूडियो खोला है। लॉकडाउन के बीच पवन सिंह एक के बाद एक कई गाने रिलीज कर रहे हैं। इसके अलावा पवन सिंह का एक और गाना तोप ले जवनिया उढ़निया से जो कुछ ही दिनों पहले रिलीज़ हुआ था उसे भी लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। तो अगर आपने पवन सिंह का ये गाना नहीं देखा है तो जाके देख लें और हमें बताएं कि आपको ये गाना कैसा लगा। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।